कुल मिला के विद्याकुल की तरफ से आपके पास क्वालिटी एजुकेशन की जो हम बात करते हैं वो आप तक पहुंची? हाँ, विद्याकुल की तरफ से क्वालिटी एजुकेशन पहुंची क्योंकि सारे डाउट्स हमने विद्याकुल से ही, जो घर पे डाउट हुआ वो विद्याकुल से ही सॉल्व किए। और बेटा, एग्ज़ाम टाइम जब आप पेपर दे के आए तो आपको कैसा लगा कि ऑनलाइन से कितना हेल्प हुई आपकी? ऑनलाइन से हेल्प हुई, अरे जो पेपर दे के आए तो उसमें लगा जो सुबह पढ़ाया था सर ने उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे। किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा फंसे? सबसे ज़्यादा मैथ में। मैथ में फंसे? हाँ, मैथ में सुमित सर की मैथ ने फिर कमाल कर दिया। कितने नंबर आए मैथ में आपके? मैथ में 96। 96 नंबर। सबसे फेवरेट टीचर आपके कौन से हैं? ये कैमरे पे देख रहे हैं, ये इंटरव्यू आपका देख रहे हैं, आपका मैसेज उन तक जाएगा, सबसे फेवरेट कौन है? फेवरेट हमारे स्कूल में या ऑनलाइन टीचर? ऑनलाइन टीचर किशन सर। किशन सर का क्या अच्छा लगता है? किशन सर को आप सबसे फेवरेट क्यों कहोगी? किशन सर बहुत एनर्जी से पढ़ाते हैं और जो जब वो पढ़ाते हैं तो ये लगता है पढ़ते ही रहो, इतनी एनर्जी होती है उनके अंदर पढ़ाने में, इसीलिए। बेटा, भविष्य में क्या करना चाहती हो? पिताजी ने इतनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया, भविष्य में क्या करना चाहती हो? भविष्य में सर NDA की प्रिपरेशन करेंगे और फाइटर प्लेन पायलट बनेंगे। जब हम सर 8th क्लास में थे तो पता चला कि अब लड़कियां भी फाइटर प्लेन पायलट आएंगी और अवनी चतुर्वेदी मैम फर्स्ट। तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं फाइटर प्लेन उड़ाऊंगी? नहीं सर, जब सोच लो तो डर नहीं लगता है। तो बेटा, ये बच्ची भविष्य में फाइटर प्लेन पायलट बनेगी, सोचो क्या सपने हैं, आसमान में उड़ान मार रहे हैं ये सपने और आसमान में उड़ेगी प्यारी बिटिया। मेरा नाम उपासना यादव है और मैंने इंटरमीडिएट परीक्षा में 481 नंबर प्राप्त किए हैं और फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में मेरी पहली रैंक एवं उत्तर प्रदेश में मेरी 9वीं रैंक है। प्यारे बच्चों, हमारे इस बिटिया के पीछे खड़े इनके छोटे भाई हैं, क्या नाम है बेटा आपका? सौरभ यादव, जो कि 8वीं क्लास में है। अब सौरभ को समझ लो दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि बिटिया ने कर दिखाया है। अब सौरभ को तो भाई रात दिन पढ़ना पड़ेगा, प्रदेश में स्थान लाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट में स्थान लाना पड़ेगा। प्यारे साथियों, हम लोग भी दिन रात आप सबके बीच आ रहे हैं, अगले 8-10 दिन तक इसी तरीके से आप सबके बीच आते रहेंगे। तो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप स्कूल रेगुलर जाती थी? यस सर, हम स्कूल रेगुलर जाते थे। अच्छा, स्कूल के अलावा कहीं पे ऑफलाइन कोचिंग किया आपने? नहीं, स्कूल के अलावा कोई ऑफलाइन कोचिंग नहीं की। कोचिंग क्यों नहीं किया बेटा आपने? स्कूल जाते थे, स्कूल से ही स्टडी मटेरियल वगैरह सब प्रोवाइड हो जाते थे और ऑनलाइन पढ़ लेते थे। अच्छा, ऑनलाइन के बारे में बेटा आपको कैसे और कब पता चला? ऑनलाइन में जब डाउट आए तो डाउट सॉल्व करने के लिए यूट्यूब पे हमने वो डाउट डाला तो आपका चैनल आया। अच्छा। तो उससे पता चला आपका चैनल। तो चैनल से जुड़ना कैसे हुआ? चैनल पे आपको सबसे पहली क्लास किसकी देखी आपने? सबसे पहली क्लास 11th में देखी थी आपकी, शायद बर्नौली प्रमेय की। यस सर। तो उस क्लास के बाद से ही हो गया था कि इस चैनल से पढ़ना चाहिए हमें? हाँ, और डाउट आते गए तो उसमें देखते रहे आपके, तो सारे डाउट मिलते गए इसीलिए लगा ये सही चैनल है पढ़ने के लिए। चलो, बहुत बढ़िया। तो बेटा, 12th में आपने किस तरीके से तैयारी की, स्कूल के साथ साथ अपनी ऑनलाइन क्लास को किस तरह से मैनेज किया, एक बार इन बच्चों को बताओ। स्कूल के बाद 5 से 6 घंटे घर पे सेल्फ स्टडी और जो डाउट आए वो ऑनलाइन से देखे, ऑनलाइन को सॉल्व कर लिया और जो कभी कभी क्लास आती थी ऑनलाइन लाइव क्लास वो भी अटेंड कर ली। जैसे एग्ज़ाम के टाइम में तो स्कूल का भी साथ कहीं ना कहीं छूटने लगता है, एक महीना पहले जहाँ से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाते हैं, एग्ज़ाम के टाइम पर आपने कैसे पढ़ाई की और किस तरीके से ऑनलाइन से आपको हेल्प मिली बेटा, एक बार आप ज़रूर बताना। एग्ज़ाम के टाइम पे स्कूल नहीं जाना होता है तो इससे हमने पहले रिवीजन किया और ऑनलाइन जो क्लासेस आती थी शाम को 8 से 11 बजे तक आती थी और सुबह जब पेपर होते तो सुबह 6 बजे जो क्लास आती थी वो हमने ज़रूर देखी क्योंकि सारा पेपर वहीं से आ जाता था और इसलिए और पढ़ाई क्योंकि जो टीचर्स हैं वो ये देख के पढ़ाते हैं क्या क्या आ रहा है, सारा कुछ नहीं पढ़ाते, जो जो आ रहा है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब कुल मिला के विद्याकुल की तरफ से आपके पास क्वालिटी एजुकेशन की जो हम बात करते हैं वो आप तक पहुंची? हाँ, विद्याकुल की तरफ से क्वालिटी एजुकेशन पहुंची क्योंकि सारे डाउट्स हमने विद्याकुल से ही, जो घर पे डाउट हुआ वो विद्याकुल से ही सॉल्व किए और स्कूल के डाउट स्कूल के टीचर्स ने सॉल्व किए। इससे हम क्वालिटी एजुकेशन क्यों कहें भाई, आ जाओ तुम भी आ जाओ। ये कौन है बेटा? ये मेरे भतीजा। अच्छा, भतीजा है, आ जाओ छोटू, आ जाओ आ जाओ। भतीजा बेचारा डर गया है, उसे पता नहीं कि सामने कैमरा चल रहा है, इंटरव्यू चल रहा है। आ जाओ बेटा, यहाँ बैठ जाओ। बैठोगे? हाँ।
भतीजे के साथ प्यारे बच्चों इंटरव्यू को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये सब हमारे परिवार हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के जो भी बच्चे टॉप करते हैं, इन बच्चों की लगन को देखकर, इन बच्चों की मेहनत को देख करके हम इन्हें अपना घर, इनको अपना परिवार मानते हैं, इन्हें अपने पिताजी मानते हैं, इन्हें अपनी प्यारी बहन मानते हैं। प्यार बिटिया, एक बात बताओ कि जैसे बच्चे हैं ये ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो इन्हें ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ ऑफलाइन पढ़ना है, स्कूल जाना है, इन दोनों चीज़ों को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, एक बार बताओगी? स्कूल तो रेगुलर जाना है, क्योंकि स्कूल से वो माहौल मिलता है पढ़ने का उतना टाइम। लेकिन ऑनलाइन को जब डाउट आए तो देखा, और घर पे ऑनलाइन क्लासेस जब आती हैं, क्लासेस लाइव क्लास देखने में जाना सही है, क्योंकि जो आंसर है तुरंत उनके आंसर दे दो, जो क्वेश्चन पूछे जाएँ लाइव क्लास में, तो ज़्यादातर लाइव क्लास लेने की हम कोशिश करते हैं कि लाइव क्लास ले लें। बढ़िया बेटा, एग्ज़ाम टाइम जब आप पेपर दे के आए तो आपको कैसा लगा कि ऑनलाइन से कितना हेल्प हुई आपकी? ऑनलाइन से हेल्प हुई, अरे जो पेपर दे के आए तो उसमें लगा जो सुबह पढ़ाया था सर ने, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे। किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा फंसे? सबसे ज़्यादा मैथ में। मैथ में फंसे? हाँ, मैथ में सुमित सर की मैथ ने फिर कमाल कर दिया। कितने नंबर आए मैथ में आपके? मैथ में 96। 96 नंबर। सबसे फेवरेट टीचर आपके कौन से हैं? ये कैमरे पे देख रहे हैं, ये इंटरव्यू आपका देख रहे हैं, आपका मैसेज उन तक जाएगा, सबसे फेवरेट कौन है? फेवरेट हमारे स्कूल में या ऑनलाइन टीचर? अच्छा, ऑनलाइन टीचर। ऑनलाइन टीचर, ऑनलाइन टीचर किशन सर। किशन सर का क्या अच्छा लगता है? किशन सर को आप सबसे फेवरेट क्यों कहोगी? किशन सर बहुत एनर्जी से पढ़ाते हैं, और जो जब वो पढ़ाते हैं तो ये लगता है पढ़ते ही रहो, इतनी एनर्जी होती है उनके अंदर पढ़ाने में, इसीलिए। बेटा ये तो बात हो गई हमारे साथ आपके अनुभव की, हम चर्चा करेंगे आपके पिताजी से। भाई साहब, आप क्या करते हैं पेशे से? खेती बाड़ी, काश्तकार। खेती बाड़ी, तो बिटिया को आपने पूरा सपोर्ट किया हर तरीके से? हाँ, जो हो सकता है पूरा ही सपोर्ट किए। मतलब आपको विश्वास था बिटिया इतने अच्छे नंबर लाएगी? टेंथ में भी उसमें 11th रैंक थी जिले में। अच्छा, टेंथ में भी 11th रैंक थी? हाँ, पहले से ही बिटिया ने अपने, नहीं इसमें 10th एक नंबर से टॉप 10 में रह गई थी, इसलिए ज़्यादा मेहनत पासनान की। अच्छा, मतलब 12वीं में आपको विश्वास था कि अच्छे नंबर लाएगी? अच्छे नंबर लाएगी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपकी खेती बाड़ी की मेहनत आज सफल हुई, पूरे जिले में पहला स्थान है। हाँ जी, हाँ जी। तो आज आपको तो 2-3 दिन से खूब ढेर सारी बधाई मिल रही है? हाँ, बधाई मिल रही है, खुशी अंदर से ही है। तो बेटा, भविष्य में क्या करना चाहती हो? पिताजी ने इतनी मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया, भविष्य में क्या करना चाहती हो? भविष्य में सर NDA की प्रिपरेशन करेंगे और फाइटर प्लेन पायलट बनेंगे। बेटा फिर से सुन लो एक बार, फाइटर प्लेन पायलट। आज से 4 साल पहले भारत सरकार ने इस निर्णय को लिया था कि अब फाइटर प्लेन भी हमारे देश की बहादुर लड़कियाँ उड़ाएंगी, और इस बच्ची को आज से 4 साल पहले ही बात पता चली होगी। बेटा कब पता चलेगी तुम्हें? जब हम सर 8th क्लास में थे तो पता चला कि अब लड़कियां भी फाइटर प्लेन पायलट आएंगी, और अवनी चतुर्वेदी में हम फर्स्ट। तो मैं डर नहीं लगता कि मैं फाइटर प्लेन उड़ाऊंगी? नहीं सर, जब सोच लो तो डर नहीं लगता है। तो बेटा ये बच्ची भविष्य में फाइटर प्लेन पायलट बनेगी, सोचो क्या सपने हैं, आसमान में उड़ान मार रहे हैं ये सपने, और आसमान में उड़ेगी प्यारी बिटिया। प्यारे बच्चों, ये सब बच्चे हैं जो कि बहुत मेहनती होते हैं, गाँव में रह कर के मेहनत करते हैं, और एक किसान के बच्चे होते हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे होते हैं। बेटा पिताजी दिन रात खेतों में काम करते हैं, अपने परिवार का पालन करते हैं, बच्चों का हौसला बढ़ाते हैं, और ऐसे बच्चे हैं जो आज की डेट में ये सोच रहे हैं कि हम भविष्य में फाइटर प्लेन उड़ाएंगे। तो बेटा, तो फाइटर प्लेन उड़ाओगी तो उसके लिए NDA की प्रिपरेशन करनी है, तो अब NDA की प्रिपरेशन घर पर रह के करोगी? यस सर, घर पर रह के करेंगे। NDA का, तो NDA का एग्ज़ाम UPSC कराता है, पता है? Yes. पेपर कठिन होता है, विश्वास है कि हम कर लेंगे? विश्वास है, कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। हाँ। अच्छा, घर पे माता जी का क्या सपोर्ट रहा? जैसे घर पे भाई बेटियां हैं, हमारे गांव में, हमारे समाज में जो माता जी हों तो बुला दीजिएगा, भाभी और हैं। अच्छा, तो हमारे गाँव में, हमारे समाज में जो माताएं होती हैं, उन बेटी वो क्या करती हैं, बेटियों से घर का काम कराती हैं। तुम्हारी मम्मी ने घर में का काम कराया? नहीं, जब 11th, जब मेरी 10th में 11th रैंक आई डिस्ट्रिक्ट में, तो मेरी मम्मी ने बोला कि अब काम नहीं कराएंगे, अब तुम्हें ज़िले में पहली रैंक लानी है, जो 1 नंबर से छूट गई तो एक ही स्थान पर आना है, पहले स्थान पर। तो घर का कोई काम नहीं करने देती थी? कोई काम नहीं कराया, यही बोला कि तुम सिर्फ पढ़ो।
खाना भी आके मिल जाता था तुमको ला के देती थी। खाना भी मिल जाता था, खाना मम्मी खिला भी देती थी। अरे बेटा समझ लो, ये वही माता जी बैठी हैं कैमरे में, आप देख सकते हो बगल में, जिन्होंने बिटिया को खाना बिस्तर पर ला के दिया। केवल इसलिए दिया कि जो एक नंबर से रैंक कम हो गई थी वो ज़िले में पहली रैंक बनकर आए। और कभी कभी तो ये भी आई कि हाथ से अपने खाना भी खिलाया। ऐसी माताएं होनी चाहिए। हम उत्तर प्रदेश की हजारों माओं से इस बात के का अनुरोध करते हैं प्यारे बच्चों, कि अपनी बेटियों को पूरा मौका दें और उन्हें यही ना समझे कि वो घर का काम करेंगी, भविष्य में उनका शादी ब्याह कर देंगे। भैया आजकल की बेटियां आसमान में छलांग मार रही हैं, बेटा आसमान के सपने सोच रही हैं। माता जी पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिटिया को आज पूरे ज़िले में पहला स्थान दिलवाया, तो खुश हैं आप इसकी? बहुत खुश हैं। उनके नंबर से घर का कोई काम नहीं करवाने? कोई काम नहीं किया, केवल पढ़ती थी। कितने बजे रात तक पढ़ती थी ये बिटिया? रात में 7 बजे तो 11 बजे बाद। अच्छा 11 बजे रात तक पढ़ती? जब हम जगते थे हमका बिटिया सो जाओ, नहीं पढ़ती बिटिया, पढ़ती रहती थी रात में, पढ़ती रहती थी। कई बार ऐसा हुआ होगा कि रात के आपको कहना पड़ो जल्दी सो जाओ? सर दर्द होने लगता है। अच्छा सुबह स्कूल भी रेगुलर जाना रहता है? बेटा स्कूल साइकिल से जाती थी कि बस से? तो मम्मी सुबह 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 उठा के टिफिन उफिन पैक कर देती थी? हाँ, मम्मी टिफिन पैक कर देती थी। अच्छा साथ में आपकी ये कौन है? ये हमारी भाभी है, इनका भाभी सपोर्ट रहा है। भाभी जी का पूरा सपोर्ट रहा? हाँ, बहुत। भाभी जी क्या क्या सपोर्ट रहा आपकी पढ़ाई में? भाभी जी ने हमेशा जब मोटिवेशन कम हुआ है तो भाभी जी ने कहा है कि अरे तुम्हें करना है, और बच्चे क्या नहीं करते हैं, तुम भी कर सकती हो। तो मतलब आपके साथ माँ का आशीर्वाद, भाभी का पूरा सपोर्ट सब बना रहा। चलो तो भाभी जी आपने बच्ची को समय समय पे मोटिवेट किया, कैसे मोटिवेट किया आज थोड़ा सा एक मैसेज देंगी घर परिवार में? क्योंकि हमारे प्रदेश में कई ऐसे संयुक्त परिवार होते हैं जहाँ माता जी भी हैं, भाभी जी भी हैं, बुआ जी भी हैं, तो वो सब लोग जब मिल करके एक बच्चे को मोटिवेट करते हैं तभी वो बच्चा कुछ कर पाता है। तो आपने कैसे मोटिवेट किया? एक्चुअली मैं कानपुर सिटी की रहने वाली हूँ और मेरा ये ससुराल है। मैंने यहाँ पे देखा जैसे कानपुर में सब फैसिलिटी मिलती हैं, यहाँ पे बच्चों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो मैं पढ़ी लिखी थी, घर में आई, मैंने बच्चों को देखा और उस प्रकार उनको मोटिवेट किया कि आपको आगे बढ़ना है। बेटा समझ रहे हैं आप, कानपुर में भाभी जी रही हैं और कानपुर में देखा, कानपुर तो हमेशा टॉपर्स का ज़िला रहा है, स्टेट टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर कानपुर से आते रहे हैं। अभी अभी हम लोग कानपुर की तरफ से आ रहे हूँ, कानपुर के हजारों मेधावी छात्र हैं बेटा जिनके इंटरव्यू आपको देखने को मिलेंगे। तो जब इन्होंने बिटिया की मेहनत देखी तो बस एक बात मन में ठान ली कि इसे टॉपर बनाना है। इसके टॉपर बनने में पूरे परिवार का सहयोग रहा, पिताजी का सहयोग रहा, माता जी का सहयोग रहा, भाभी जी का सहयोग रहा, इन छोटे छोटे बालकों का भी सहयोग रहा, और हमारी दीदी का बहुत सहयोग रहा है। दीदी क्या करती है बेटा? दीदी, हमारी दीदी की शादी हो गई है। अच्छा। तो दीदी जीजा जी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है और हमारे मामा जी का, क्योंकि जब मोटिवेशन की कमी हुई है तो इन्हीं लोगों ने उसे पूरा किया है। ये परिवार का माहौल। प्यारे साथियों, आप भी अपने माता पिता को ये वीडियो दिखाइएगा कि एक बच्चे को हमेशा हौसला बनाए रखना चाहिए, एक बच्चे का मनोबल बनाए रखना चाहिए, और ऐसे बच्चे ही जिले में स्टेट में टॉप करते हैं। प्यारे बच्चों, ये चल रही है हमारी विजय यात्रा जिसके अंतर्गत हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में, हर गांव-गांव, घर-घर, जहां भी हमारे बच्चे पढ़ करके ज़िले में और प्रदेश में अपना नाम रोशन किए हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन किए हैं। ये थी उपासना यादव, कन्नौज में रहकर कौन से ज़िला बेटा, फिर फर्रुखाबाद ज़िले में पहला स्थान प्राप्त किया और पूरे प्रदेश में 9वां स्थान प्राप्त किया। और ये थी उपासना की रोचक कहानी, उपासना की प्रेरणादायक कहानी। और इसी प्रकार से बेटा आप लोग भी पढ़ो, आज की समय में बेटियां किसी से कम नहीं हैं, मेहनत करेंगी तो ज़रूर सफल होंगी। और आज की डेट में बेटा आप सब सपने देख सकती हो, कुछ भी कर सकती हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर बेटियां नहीं जा सकती हैं। बस उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और आपके पास केवल एक ही रास्ता है, वो है केवल पढ़ाई का। तो इसी तरीके से और भी मिलते रहेंगे, और भी काफ़ी सदस्य हैं जिनसे हम आपको मिलवाते रहेंगे, अगले 10 दिन तक हमारी यात्रा चलती रहेगी। मिलते हैं आप सभी से अगले इंटरव्यू में। धन्यवाद आप सभी को।